क्या आप जानते हैं कि सांप हजारों वर्ष पहले मिलने वाले रेप्टाइल डायनासोरस द्वारा विकसित हुए हैं? कुछ सांप इतने डेंजरस होते हैं कि लोग इनके नाम से ही डर जाते हैं। पुराने समय से ही सांपों से जुड़ी अनेकों कहानियां हम सबके जीवन का हिस्सा रही हैं। पर आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत और अनसुने फैक्ट्स बताएंगे कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम इंस्पायर होकर जल्द ही नए फैक्ट्स और नए वीडियोस के साथ आपसे मिलें। नंबर वन, सांप एक ऐसे क्रिएचर हैं जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में मिलते हैं, जैसे पानी, जंगल, रेगिस्तान, घास की मैदान और दलदल। पर क्या आप जानते हैं कि सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सांप एक ऐसे रेप्टाइल हैं जो अपने शरीर का टेम्परेचर पर्यावरण के टेम्परेचर के अनुसार बदल सकते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म और ठंडी दोनों जगहों पर आसानी से रह सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका, आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड ही ऐसे देश हैं जहां सांप नहीं पाए जाते हैं। नंबर टू, दुनिया भर के जहरीले सांपों की लगभग 725 प्रजातियां हैं, जिनमें से 250 प्रजातियां इतनी पॉइजनस होती हैं कि इंसान को सिर्फ एक बार डस कर ही खत्म कर सकती हैं। जहरीले सांपों की आंख की पुतलियां हीरे की तरह होती हैं और गैर जहरीले सांपों की पुतलियां गोल होती हैं। किंग कोबरा भारत के सबसे विषैले सांपों में से एक है, जबकि दुनिया का सबसे जहरीला सांप ताइपन है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर थ्री, सांपों के 200 से भी अधिक दांत होते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दांतों को ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो सांप जहरीले नहीं होते, उनके दांत पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, पर जहरीले सांपों के दांत नुकीले होते हैं और ये एक स्मॉल सैक से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें पॉइजनस लिक्विड यानी वेनम भरा होता है। नंबर फोर, कमाल की बात है दोस्तों कि एक छोटा सा दिखने वाला सांप बड़े से बड़े जानवर को भी पूरा निगल जाता है। कोई भी सांप अपने मुंह को 150 डिग्री तक खोल सकता है, जिससे वो अपने शरीर से 100 गुना बड़े शिकार को भी खा सकते हैं। फिर चाहे वो खाना पचाने में इन्हें 3 से 5 दिन ही क्यों ना लग जाएं। पर कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो 2 साल तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। नंबर फाइव, सांपों के पास बाहर दिखाई देने वाले कान तो नहीं होते, लेकिन आपको बता दें कि उनके कान सिर के अंदर एक वेस्टाइजियल ऑर्गन के रूप में होते हैं। सांप हल्की से हल्की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ सांप 1000 हर्ट्ज तक की आवाज भी सुन सकते हैं। नंबर सिक्स, दोस्तों ग्रीन एनाकोंडा विश्व का सबसे भारी सांप है, जिसका वेट 550 पाउंड तक हो सकता है और ये दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के मूल निवासी हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। इन खतरनाक सांपों के बीच में सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेड स्नेक है, जिसकी लंबाई मात्र 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है। नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि सांपों की कुछ विशेष प्रजातियां उड़ भी सकती हैं? जी हाँ, ये फ्लाइंग स्नेक साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न मोस्ट चाइना, इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये सांप 4 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 330 फीट तक ग्लाइड कर सकते हैं। अमेजिंग बात ये है कि उड़ने वाले सांप वास्तव में उड़ते नहीं हैं, बल्कि शिकार करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर एट, सांपों के बारे में एक हैरान कर देने वाला फैक्ट ये है कि सांप अपनी टंग का इस्तेमाल स्मेल करने के लिए करते हैं। ये हवा, जमीन और पानी से स्मेल को पहचानने के लिए अपनी लंबी कांटेदार जीभ को फुलाकर नाक की तरह प्रयोग करते हैं। नंबर नाइन, दुनिया के लगभग 70% सांप एग्स देते हैं, बाकी 30% जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले सांप गर्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं और अपने एग्स हैच करते हैं, लेकिन बच्चों को जन्म देने वाले सांप ठंडे वातावरण वाले प्रदेशों में रहते हैं, जहां हैचिंग के लिए जमीन बहुत ठंडी होती है। नंबर 10, दोस्तों सांप महीने में एक बार अपने स्किन की पूरी आउटर लेयर उतार फेंकते हैं, जिसे केचुरी उतरना कहते हैं।
इसे उतारने के लिए वो खुद को पेड़ की शाखा या किसी और चीज से अपने आप को रगड़ते हैं और इस दौरान ये देख और खा नहीं पाते। दोस्तों, सांपों के बारे में हमारे बताए गए ये अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।